सत्र आज से शुरू होगा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में साल 2020-21 का बजट पेश करेंगी। बढ़ती महंगाई, कमजोर विकास दर की वजह से इस बजट को दशक का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट माना जा रहा है। संभावना यही जताई जा रही है कि मंदी से जूझ रहे उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए बजट में कुछ रियायतें होंगी। केंद्रीय बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक बैठक में 26 दलों के हिस्सा लेने की बात सामने आई। अपने मुद्दे उन्होंने सामने रखे, पीएम से कुछ बातें हुई तो पीएम ने यह भी कहा कि वो आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समृद्ध चर्चा चाहते हैं। इस बार सत्र में 45 बिल लाए जाएंगे, जिनमें से 7 वित्तीय बिल हैं जबकि 2 अध्याय